हाँ तो भाई ये है पोको का फर्स्ट TWS जिसका नाम है पोको पोर्ट्स। ये आप फ्लिपकार्ट से 1200 रुपये की प्राइस रेंज में बाय कर सकते हो। हालांकि मैं इसे पिछले 24 घंटे से यूज़ करता हुआ रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि भाई क्या ये पोर्ट के ऊपर आपको 1200 रुपये खर्चा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अनबॉक्सिंग की बात करो तो सिंपल से यहाँ पे हमें जो बॉक्स देखने को मिल जाता है पोको पोर्ट्स यहाँ पे लिखा गया है, और साइड में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस भी मेंशंस की गई है जो आप यहाँ पे आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ पुस्तिकाएं देखने को मिलती है, और ये ईयरपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो ये ट्यूब्स आते हैं, आप अपने कान के हिसाब से फिटिंग के हिसाब से इसे लगा सकते हो अपने, ठीक है, यहाँ पे ईयरपोर्ट में। और बात कीजिए भाई यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो अंडाकार शेप में देखने को मिलता है और पूरा हमें ये प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। हालांकि ये ब्लैक कलर में इसे परचेस किया, और ब्लैक और यहाँ पे जो है येलो कलर का कॉम्बिनेशन जो पोको के कलर आती है वाइबिंग, तो वैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पोको की ब्रांडिंग की गई है, जैसे आप ओपन करते हो तो कुछ आप इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपको एक चीज दिखाऊं, मज़ा आया? यही मज़े के लिए तो भाई ये पोर्ट्स लेने में मज़ा आता है। बात की जाए तो भाई कि बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे अगर आप हाथ में भी होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि 1200 के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन बढ़िया है। आगे बात करते हैं पेयरिंग प्रोसेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो है फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। सिंपल से आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पॉपअप शो हो जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर Xiaomi ईयरबड्स करके ये एप्लीकेशन आता है इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो है यहाँ पे शो हो जाएगा, और इसे जो है यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। से आप कनेक्ट कर लेते हो तो देखिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा सेटिंग नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ओप्पो इनको बड्स 2, रियलमी जो है टेक लाइफ और T100, ये दोनों को मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। हालांकि चैनल पर वीडियो है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और भाई यहाँ पे मैं ऐप में ज़्यादा सेटिंग देखने को नहीं मिलता, खाली ऊपर यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ जो है बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है, लेफ्ट हुआ राइट हुआ, यहाँ पे जो है बॉक्स का देखने को मिलता है। वैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे खाली हमें एक जो है मेन सेटिंग देखने को मिलता है एडिशनल, उसके अंदर सेटिंग में जाते हो तो लो लेटेंसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस मतलब जो टच कंट्रोल वाला होता था यहाँ पे हमें वो देखने को नहीं मिलता। हालांकि बात कीजिए अगर आप ब्लूटूथ में जाते हो तो यहाँ पे हमें हाई कोडक का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना। हालांकि देखिए आप 1200 रुपये पे कर रहे हो तो 1200 के हिसाब से इतना ही मिलेगा, हाँ 1500, 1800, 2000 दोगे तो वहाँ पे आपको ऑफकोर्स ये बातें ज़्यादा मिलने वाला, बट 1200 के हिसाब से ठीक ठाक है। पैकिंग प्रोसेस एकदम सिंपल से आसान सा है। बात की जाए तो भाई देखिए यहाँ पे हमें 12mm का जो है ड्राइवर देखने को मिल जाता है। अगर आपको गाना सुनना हुआ, अगर आपको मूवीज वॉच करना हुआ, तो सारा काम आपको निकाल के आराम से दे देगा, वोकल्स आराम से आएंगे, बेस वाले जो भी गाने होते हैं लोफी, अगर स्लो गाना आपको पसंद आते हैं तो ओवरऑल गाने की क्वालिटी हमें ठीक ठाक देखने को मिलती है। अब देखिए जो मैं आप रिव्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो ये 1200 रुपये में बाय करोगे तो उस हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। भाई मैं 1200 रुपये खर्चा कर रहा हूँ और मैं सोचूँ मुझे 2000 जितने यहाँ पे स्पेक्स मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल ही है ना। तो 1200 के हिसाब से आपको वोकल्स हुए, बेस बूस्टेड हुए, वॉइस हुए, वॉइस की क्वालिटी हुई, सब कुछ यहाँ पे हमें बढ़िया देखने को मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करें तो देखिए कंपनी जो है यहाँ पे हमें 30 घंटे क्लेम करती है, बट आपको भी पता है हमें भी पता है 30 घंटा तो नहीं मिलेगा, तो मिनिमम आप जो है 24 घंटा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक बार इसे चार्ज किया है तो आपको अगले दिन ही चार्ज करना पड़ेगा, 24 घंटे आराम से निकाल के दे देंगे। चार्जिंग की बात करें तो लगभग 1 घंटा आप इसे समझ सकते हो, 1 घंटे में एयरपोर्ट पूरा फुल चार्ज हो जाएगा और आराम से 24 घंटे आप यहाँ से इसका यूज कर पाओगे। और यहाँ पे हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप ले रहे हो तो बरसात और साथ में भीगे तो कोई दिक्कत होगा, नहीं भाई इसे पानी से बिल्कुल दूर रखना है। हाँ अगर आप जैसे जेब में रखते हो या फिर ऐसे ऊपर वाली जेब में ऐसे अगर आप रखते हो यहाँ पे ऐसे तो पसीना वसीना हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा। बट आप सोचो भाई पानी में गिर जाए, बरसात में भीग जाए, तो आपको यहाँ पे ये बचा के रखना, तब उस टाइम पे ये खराब हो सकता है। हल्कि देखिए यहाँ पे हमें 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है, बट ये पानी में जाएगा तो नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक चलना बंद हो गया, कोई इशू आ गया तो 1 ईयर की 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, आपको रिप्लेसमेंट करके नया दे दिया जाएगा, आपको पोको के सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ENC का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब से अगर आप कॉलिंग करते हो ना तो 1200 के हिसाब से मुझे ठीक लगा है। हाँ ऐसा नहीं कि भाई आप लगा लो एकदम भीड़ भड़क के वाली जगह पे चले जाओ और आपको एकदम वॉइस क्लियर है, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ENC का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जो आप ये आवाज़ सुन रहे हो ये पोको बड्स के माइक्रोफोन से कैप्चर हो रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे जो ENC दिया हुआ है वो कितना अच्छा तरीके से फर्क करता है। यहाँ से बाहर से थोड़ी हवा भी चल रही है और थोड़ा ये दुख दुख करके आवाज़ भी आ रही है,
हिसाब से आपको आइडिया लग। और टच कंट्रोल की बात करें तो भाई देखिए ऐप में तो आपको कोई भी यहाँ पे सेटिंग देखने को नहीं मिलता, बट भाई यहाँ पे हमें टच कंट्रोल देखने को मिलता है। हाँ, जैसे कि अगर आप ये कान में लगाते हो तो भाई एक बार ऐसे टच करोगे तो पॉज हो जाएगा, एक बार करोगे तो प्ले हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो साइड में हो जाएगा। मतलब आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे टैप वाला ये फीचर देखने को मिलता है। भाई मैं भी पहली बार सोचा ऐप में जाके कि यहाँ पे कहीं सेटिंग नहीं दिया है तो क्या इसमें टच वाला फीचर देखने को नहीं मिलता, बट जब मैंने आगे बाद में देखा और यहाँ पे पॉज प्ले करके देखा तो आराम से वर्क करा। इसे कस्टमाइज तो नहीं, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हो तो देखिए इसके बदले में 1500 का रियलमी टेक लाइफ T100 जो आया हुआ है आप वो परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट बढ़ सकता है 1500 के हिसाब से तो आप बढ़ा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। बट 1200 रुपये आपका बजट एकदम टाइट है और मुझे ईयरबड ही लेना है तो आप ले सकते हो। 1200 के हिसाब से मुझे इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली 1200 के हिसाब से। हाँ भाई 1500 अगर लोगे तो जो वो रियलमी का देखने को मिलता है वो अच्छा देखने को मिलता है, फिर 1600-1700 के आसपास जो है ओप्पो इनको बड्स 2 देखने को मिल जाता है। हालांकि मैंने तो ऑफर में उसे 1400 में ही बाय किया था, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। अभी अपकमिंग फ्लिपकार्ट की BBD सेल आने वाली है, अगर आप 2 महीने और वेट कर लेते हो तो जो ओप्पो वाला बड्स था भाई वन ऑफ द बेस्ट मुझे देखने को मिल जाता है। 1800-1900 रुपये के आसपास अभी प्राइस चल रही इस टाइम पे, बट सेल में आराम से आपको 1400-1500 का देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपका बजट एकदम टाइट है तो 1200 में सिंपल सा आप ये बाय कर सकते हो, नहीं तो अगर आप सेल का वेट करते हो तो मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा 1500 के आसपास में ओप्पो वाला आएगा, आप वो बाय कर लीजिएगा। तो 1200 में आपको इसी बात ही आप बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सर, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।